जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अजी क्या हाल है? ठीक है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आ गया है। ईद के समय पर सलमान खान की फिल्म उनके फैंस के लिए तगड़ी ईदी होती है भाई साहब। सब सिनेमा हॉल के अंदर खड़े होकर गाएंगे मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। अगर बात करें ट्रेलर की तो अच्छा है, अच्छे से थोड़ा और अच्छा है, उससे थोड़ा और अच्छा है, उससे थोड़ा और अच्छा है, लास्ट में जाके बहुत अच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? शुरुआत स्लो होती है चुपचुपचुपचुपचुपचुपचुप के साथ, उसके बाद जाकर के फिर ढिसुम ढिसुम शुरू होता है। बाद में जाकर के ट्रेलर एकदम मेट्रो की स्पीड पकड़ती है, शीशा तोड़ के गुंडा बाहर। ऐसा ट्रेलर है, फिल्म भी बिल्कुल ऐसी ही होगी ऐसा मुझे लगता है। शुरुआत के 15-20 मिनट तक आपको थोड़ा सा हाँ कर लो पहले। खैर फिल्म पारिवारिक है, इतना पारिवारिक है कि पूरे देश से एक्टर उठा लाए हैं। वेंकटेश जगपति बाबू, सलमान खान और कौन है, हाँ पूजा हेगड़े। इसके अलावा इतने सारे लोग हैं इस फिल्म में, गिनती करूंगा 6 दिन लगेगा। फिल्म रीमेक है, एक तमिल फिल्म का रीमेक है, नाम मत पूछना, क्योंकि ये जो फिल्म है बहुत सारी भाषाओं में रीमेक हो चुकी है और हर भाषा में इसका नाम अलग अलग है। तो फिल्म की अगर कहानी जाननी हो तो उस फिल्म को देख डालो, पता चल जाएगा क्या है इसमें। खैर ये एक पारिवारिक एंटरटेनिंग मसाला फिल्म है, तगड़ा मसाला है। सलमान खान की फिल्म में मसाला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चिकन बिरयानी में चिकन भले ही ना हो, मसाला पक्का होता है। वैसे भी जो तगड़ी पर्सनालिटी वाले हीरो होते हैं उनके ऊपर एक्शन फिल्म ही शूट करती है, लाइक सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और कौन है, छोड़ जाने दो। खैर फिल्म को डायरेक्ट किया फराज साम जी ने, और इनका जो पिछले कुछ समय का जो रिकॉर्ड देखे कुछ खास नहीं है, और साथ ही साथ सलमान खान का भी पिछला कुछ रिकॉर्ड देखे तो वो भी कुछ खास नहीं है। बट ऐसा मत सोचो कि ये भी कुछ खास नहीं होगा। ट्रेलर देखकर लगता है कि इन लोगों ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखा जरूर है। ट्रेलर में कहीं पर भी कोई अश्लीलता नजर नहीं आती है, वैसे भी सलमान खान की फिल्म में अक्सर होती भी नहीं है। इतने साल से फिल्में बना रहा है लेकिन आज तक कभी किसिंग सीन नहीं किया है। जगपति बाबू फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं और काफी तगड़ा रोल दिया गया उनको, ऐसा मसल देने वाला। मुझे एक एक चीख सुनी है। वैसे जब हीरो तगड़ा है तो विलेन उससे भी ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, फिल्म देखने में तभी मजा आता है। इस फिल्म के डायरेक्टर फराज साम जी को लेकर के लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे थे, बट मुझे लग रहा है कि इस फिल्म के बाद वो सारी बातें बंद होने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन तगड़ा दिख रहा है भाई साहब। ट्रेलर में जो मुझे चांद पर पैदल जाने वाली बात लगी वो लगी ये, आर यू कॉमेडी मी। हर चप्पल सुन के डायलॉग भी लिखे गए, मेरा मतलब डायलॉग भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी। खैर ये जो फिल्म है काफी नए एक्टरों को भी चांस दे रही है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग नया नया डेब्यू करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिनकी ये पहली फिल्म होगी। और वैसे भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नए लोगों को लॉन्च करने का खिताब अगर किसी के पास है तो वो सलमान खान के ही पास है, मतलब बंदा सबसे ज्यादा नए लोगों को काम देता है, खास करके हीरोइनों को। सर फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमा घर में आ रही है, तो अगर आप देखने का प्लान बना रहे हैं तो भेजा जो है वो घर पे रख के जाइएगा, क्योंकि फिल्म सलमान खान की है, शायद इसकी जरूरत वहां ना पड़े। सर ट्रेलर अच्छा है, उम्मीद है फिल्म भी अच्छी होगी। और ये फिल्म खास सलमान खान के फैंस को टारगेट करके ही बनाया गया है, क्योंकि उनके फैंस सलमान खान से जो चीजें उम्मीद करते एक्सपेक्ट करते हैं वही चीजें इस फिल्म में भरी पड़ी हैं, यानी कि सलमान खान का तगड़ा एक्शन और इलॉजिकल डायलॉग। सॉरी, मजा आ गया ट्रेलर देखकर। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो प्लीज लाइक करना, और मजा नहीं आया तो भी करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दुनिया में आए हो तो कुछ तो कर लो, नीचे बटन है सब्सक्राइब कर लो। खैर अगर कोई बात बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आ जाओ वहां पर भी मैसेज करो, फॉलो जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।